अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो अभी ब्लॉग शुरू करते हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, इम्तियाज़ पे। मैंने लेने हैं चावल और कुछ मुर्गी क्योंकि आज पार्टी कर रहे हैं। हम लोग इम्तियाज़ पहुँच गए, अभी अंदर चलते हैं और डीडी भाई भी साथ हैं, इन्होंने भी कुछ सामान लेना था। चलते हैं अंदर से, हम अपना सामान लेते हैं और फिर चलेंगे घर। हमने लिया ये चिकन ड्रमस्टिक, अब ले रहे हैं चिकन लेग टिक्का और एक किलो ये भी करा लिया, मैंने कहा कम ना पड़ जाए। ये हम केक वाली सेक्शन पे आ गए और यहाँ से अभी केक पसंद कर रहे हैं। तो दिलबर भाई को मैंने बोला है आप खुद पसंद करें, जिस पे लिख भी जाए, क्या बोलते हैं 10K सेलिब्रेशन का, क्योंकि केक के बिना अधूरा है सेलिब्रेशन। तो अभी यहाँ से दिलबर भाई ले रहे हैं। शुरू होगी ये चावल बनाना, तो वाइफ बनाएगी और टमाटर प्याज कटे हुए थे पहले ही हम आए, तो अभी चावल तैयारी करते हैं इसकी बनाने की। फाइनली हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और मैं भी गया हुआ था वाइफ का बुरका देने, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था, उसकी अल्ट्रिंग वगैरह करवानी थी। तो यहीं पीछे ही गली में एक बैठा हुए थे दर्जी टेलर, तो उनको दे के आए हूँ। तो अभी चलते हैं घर, क्योंकि वाइफ जो है ना वो सामान शामान पका रही थी, चावल शावल, तो देखते हैं कब तक वो पका लेती है और फिर चलेंगे पार्टी करने। और केक नहीं लिया क्योंकि भाई केक का इशू ये हो रहा था कि जब जाएंगे वहाँ पार्क में तब केक भी ले लेंगे। तो अभी चलते हैं घर। तो जी फाइनली तैयार हो रहे हैं, मैं घर आ गया। तो ये प्याज जो है ना अभी डाले हुए, तो अभी हम जो है ना इसको डुई बोलते हैं हम, तो वो फेर रहे हैं भाई। फाइनली रेडी हो रहा है और भाई साहब पका रही हैं और ये रहा हमारा चिकन। मैं केक भी लेके आ गया क्योंकि केक उस टाइम भूल गए थे हम अपनी बातों बातों में, तो अभी ये केक भी लेके आ गया हूँ मैं। अबू बकर रेडी हो? हाँ। चलें जी, आज तो 10K की आज हमारे हो गए ना, फिर हम पार्टी कर रहे हैं। हाँ। अरे ये कौन है भाई, ये क्या बनी हुई हो? ओ नहीं नहीं उतारो नहीं। मैं भी रेडी हो गया, अभी चलते हैं बाहर और टाइम भी बहुत हो गया है, देखें रात होने वाली है, यानी रात शाम होने वाली है, तो चलते हैं, 5:30 का टाइम यही हो गया। ये पतीला जो है ना, पूरा पतीला का पतीला हम लेके जा रहे हैं और इसे कपड़े से बांध दिए, तो इसे लेके चलते हैं। बाकी केक वेक भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। मेजर खालिद शहीद पार्क और बच्चों को अंदर भेज दिया, मैं और चाचू भी जाएंगे। क्या लेने जाएंगे से? कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ होनी चाहिए ना? हाँ, कुछ साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह होनी चाहिए। मतलब नहीं नहीं चले नहीं नहीं भाई, जो थे मैंने देखे वो, फिर भी मैंने मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। अच्छा ये है कि अभी हाँ चले, चलते हैं यहाँ से, 2 कोल्ड ड्रिंक 4 रायते ले लिए, अभी चलते हैं आगे। फाइनली हम लोग पहुँच गए और चाचू भाई उठा के पहले जा रहे हैं, और चाचू ने आज शुगर फ्री पेप्सी भी ली है, ऐसे ना चाचू? हाँ तो आप पी सकते हैं बाबा, आप तकड़े। वही चाचू अकबर के लिए भूल गए, वो बोलेगा मुझे भी थे ये कोल्ड ड्रिंक। चले 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 चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं चाचू सब? फारूक भाई कैसे हैं? और बाजी आप कैसी हैं? ठीक है। बाकी इन सब के साथ तो आया था यार, ये रायता नहीं मिल रहा था हमें यार, वो रायता छोटा छोटे मिल रहे थे, फिर वही उठाते उठाते टाइम। और एक बंदा कुछ छुपा रहा है चाचू, ये देखें एक बंदा कुछ छुपा रहा है, जेब में कुछ छुपाया हुआ है। वो पेप्सी छुपाई होगी और क्या छुपाएगा, इसके सिवा उसका क्या है? चलो शुगर का मरीज है, शुगर का मरीज है बेचारा, उसको यार चले। अबू बकर और नया लोगों को भुलाने और सब बोल रहे हैं जल्दी करो, भूख लगी हुई है, और देखता हूँ कहाँ है ये लोग, और इनको बुलाते हैं और आते। चलो भाई अबू बकर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये दो बच्चों को अलग, बच्चों का नहीं, बच्चों तेज है ये, कैमरे के काम को देख रही है और जी स्टार्ट हो जाए हाई साहब, कैमरे जो है ना रेडी कर लें। 100K भाई।
और जी ये शाहबाज भाई के 10,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में ये पार्टी दे रहे हैं और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो शाहबाज भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले बच्चों को पीछे आपका बेटा आ रहा है भाई, जरा हो ये केक खा लो। ये दूसरा प्यार आयु का और ये अबू बकर बाकी का है बच्चे भाई, ये आपको नजर नहीं रहा, ये बच्चे नहीं है ये भाई, बच्चे सब बच्चे। ये जी शाहबाज भाई का 10,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में इन्होंने हम सबको इनवाइट किया, सबको दो केक, मेरा और सबको दो। दिलबर बाजा बाबा राजीव प्रसाद और ये चाचू आ गए। आज हमारे घर पे भी चावल बने थे, यहाँ वो भी आ गए। जी तो आप सब कैसे हैं भाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाश भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक सब है। हमारे खानदान में जितने भी यूट्यूबर है, मैं उस दिन लाइव पे बैठा हुआ था, मैंने कहा था कि भाई दरख्त वही, हम सब उनकी छांव तले बैठे, किसी को कोई पता नहीं, सब गुस्सा होने लगे। मैंने कहा यूँ सच्ची बात ही भाई, दरख्त तो यही है ना। माशाल्लाह चावल जो है ना बाजी सर्व कर रही हैं और सबको दे रही हैं माशाल्लाह। और ये रहे बाबर भाई और ये हाँ यहाँ कहने तो खाओ भाई, किसने रोका आपको। तो ये जी माशाल्लाह सारे पूरी फैमिली बैठी है और चाचू आज व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई। भाई इसको क्या हो गया चाचू को, वो देखें देखें देखें, काम चेक करें इनके, ये पता नहीं कौन सी व्लॉगिंग है। खाना वगैरह सबने खा लिया, अभी केक कट करके सबको दे रहे हैं। फरूख भाई वो बैठे हैं, चाचू अनवर भी वापस आ गए, पता नहीं कहाँ रिएक्शन देने गए हुए थे। चाचू अकबर वो रहे जी जी, खाना तो अभी बाद में आके खाया आपने। चाचू आज कोक पी रहे हो, जीरो कोक पी रहे आज भी चाचू। और दिलबर और बाबर वो रहे वहाँ बैठे हैं, हमजू ये रहा, मीर सो रहा है। सुबेरा ये सारा आपने खाया, अच्छा चलो ठीक। गोलू ये देखे केक अभी खा रहे जी ये लोग। गोलू गिर गया। क्या बातें हो चल रही हैं, क्या बातें चल। दो तीन चार पाँच चार दिन पहले ना मेरा और चाचू का हुआ झगड़ा, हाँ जी, उन्होंने आना छोड़ दिया घर, तो वो इनको समझा रही थी, पहले भी समझाया था ये रिएक्शन वियक्शन के बारे में, तो गुस्सा करके घर नहीं आते, तो वही मैं समझा रही हूँ तुम्हें क्यों कहती हूँ। चलिए भाई मुझे रोकती है चाचू, किसी पर रिएक्शन देना ना, रिएक्शन देना छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ मेरी बेटी जब आप पर बात होगी या किसी मेरी भाभियों पर होगी, ये देखे तो फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे करते तीन उंगलियाँ उसकी तरफ, गंदा वो भी होते हैं। बस कोशिश करूंगा, तो देख रहे हम अच्छे ना, खुदा जानता है लोग, बस कोशिश करूंगा। चलें जी चलें, बाकी चावल चावल पसंद आए। हाँ अच्छे थे, चावल पसंद आए चाचू। घर भी आना, ओए ये कौन आ गया, ये भी और वो आयु बैठे, मैं करूंगा घर आना, मैं अपने में करूंगा ना। ठीक है ठीक, अच्छा चलो, ये बोल रही है मम्मी के पास जाने, सब वहाँ बैठे और हम ऐसे ही घूम रहे हैं दोनों। फाइनली एक बहुत बड़ी हस्ती इनको बुलाया था और इनको पता नहीं था क्रिक विस्टा का बैक साइड कौन सा होता है, पीछे वाली साइड है। हाँ तो ये पीछे वाली साइड है, अब हम कहाँ जाते हैं, कौन सही कह रहे हैं। आए चलें जी, ये आए, इनका बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा चाचू चल अभी रोटी तो खा लो, खाना तो खा लो। और शाहरुख भाई कैसे हो, तबीयत से ठीक है। चले माशाल्लाह, कहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठंड में जा रहे हो, यहाँ ठंड कम है क्या, कहीं और ठंड में जा रहे हो। भागो 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 भागो, वो देखो काके के पास भागे, चलो 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 जंप, ओए ओए ओए, ये फादिया भी अभी जंप करेगी। आप तो कर सकते हो, बड़ी हो, करो आप तो करो। और ये यहाँ सब खेल रहे हैं और ये डीडी भाई मुझसे रील बनवा रहे हैं, एक और बनाते हैं भाई जबरदस्त वाली जी। यहाँ क्या बोलते हैं सब, पता नहीं अपना एक एक स्टंट दिखा रहे हैं। और ये अबू बकर और ये फादिया के काम चेक करें, वाह 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 वाह, फादिया नहीं कर सकी। हाँ करो, ओए हो गर्दन का दर्द ना निकल जाए, चलो बस बस छोड़ो, नहीं नहीं कर करो करो,
कैसे कर रही थी? नहीं 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 बस बस उसने धक्का दिया तो खैर। ओए चलो उठाओ घर चले अभी चलो वापस जा रहे हैं। वो दीदी भाई रहे, ये मेरी वाइफ रही, ये चाचू अकबर, ये बाबर और बाबर का बच्चा, और ये बाजी, तो ये सुमेरा, ये बाजी, वो सितारा, ये सारे बच्चे ऐसे। और वो गोलू के काम चेक करें, गोलू आ जाओ, गर्दन का दर्द निकल जाएगा पागल। हाँ ऊँ तो मुन्नी वापस जा रहे हैं, अभी चलते हैं घर को। और घर चल के छोटी सी भाई पार्टी थी, जितना हो सका मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि अच्छी से अच्छी हो। और घर में वाइफ ने चावल बनाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सारा हो गया। अभी चलते हैं घर और एक दो दिन तक अभी पंजाब भी चले जाएंगे। फाइनली सब पहुंच गए यहाँ, और ये देखें ऐसे वो बच्चे, ये बच्चे क्या हुई? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। बिजली है, बिजली है भाई। नहीं 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 जी। फाइनली क्या बोलते हैं, चाय आ चुकी है और सितारा बाजी खुद सबको सर्व कर रही है जी। सारे बच्चे खेल रहे होंगे, इधर इनके काम चेक करें, ये पियानो बजा रहे। अभी हम लोग सब बाहर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, और ये रहे बच्चे। ओए ना करो गोलू गोलू। तो फाइनली जी हम लोग घर जा रहे हैं, अभी चलो घर चलें घर चलें। हम यहाँ थोड़ी अम्मी पागल। चाचू अनवर के साथ बैठ गई है, अभी जा रहे हैं घर, और इसको शौक है। बच्चों वगैरह को पहुंचा लिया, अभी जा रहे हैं दिलबर भाई की पट्टी कराने। दिलबर भाई बाहर है के साथ। आज फिर कोई नाखून शाखून उतरवाना है क्या? सिर्फ पट्टी करानी है, पट्टी करवानी है। चलो चले। लेकिन चाचू की जो है ना वो 231 पे है शुगर। अनवर साहब जी जी, अभी दिलबर भाई भी कराने लगे। मैं आज पट्टी करा के आया हूँ, जो दाना निकला वही ये पट्टी करा के हैं। तो ये बार बार पूछ रही है क्या हुआ अबू? हाँ हो गया मुझे, हो गया। अई हाँ हूँ है हूँ आ हाँ हूँ है। देखिए उसे हाथ नहीं लगाने दे रही, बोरी हूँ है, सहला रही है पाँव को। हाँ बस ठीक है भाई। हाँ हूँ है हूँ। तो जी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत से होंगे, और मेरी तरफ़ से बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। और भाई थैंक यू उन लोगों का जो मेरी बहनों पे बातें कर रहे थे, जलील कर दिया हमें भी, मुझे भी, सबको। सही बात है सबको, क्योंकि देखिए मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है, मैं समझ सकता हूँ जिसकी जो भी कंडीशन रही है, बात करना उनकी मजबूरी है, या उन्हें बताया जा रहा है कि बोला जा रहा है, फ़ोर्स किया जा रहा है कि बात करो इन पे। तो क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने भी बताया कि अबू भाई इस चीज़ में राज़ी नहीं थे, तो आज सारा दिन हम सब परेशान रहे। अबू ने कॉल की, मुझे भी डांटा, और ठीक है भाई इट्स ओके। मैं बहुत मुश्किलों से डर डर के चला रहा था, क्योंकि भाई मैं अबू को नाराज़ नहीं करना चाहता था। जब बहनों ने भी YT ओपन की थी तब भी अबू ने मुझे कहा था कि इनको रोकें। तो थैंक यू आप सबका यार, थैंक यू, बहुत सारा प्यार दिया आप सबने, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है चलता है सब लाइफ में, लेकिन आज बहुत दिल उदास है भाई, बहुत, हद से भी ज़्यादा। छोटी छोटी बच्चों पे बातें की गई, ठीक है कल मैंने रोस्ट किया, ठीक है उसमें प्रॉपर मैंने बोला कि भाई आप मेरी बहनों पे बात करेंगी तो मैं करूँगा, ठीक है। मैंने उस चीज़ के अलावा कुछ और कोई कुछ गलत लैंग्वेज भी नहीं यूज़ की, ना कोई गाली दी ना कुछ। और मेरी ठीक है, मैंने वो एडिट करके अभी ये कर दी, मुझे ये नहीं था कि मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं इतना भी नहीं कर सकता कि भाई बच्चों को और इनको सबको इन्वॉल्व करूं, पूरी फैमिली को, तो ये मैं नहीं कर सकता। तो मैंने वो एडिट करके वो प्राइवेट करके फिर एडिट की, और एडिट के बाद जो थी उसको फिर से पब्लिकली कर दिया। तो मैं मज़ीद इस चीज़ पे बात नहीं करूँगा, पहले भी मैं नहीं बात करना चाहता था, मैं नहीं बात करना चाहता था किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि मुझे मेरे दिल का हाल पता होगा, मैं कैसे जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ,
ठीक है। और काफ़ी लोग बोलते हैं भाई आप जब देखो रोना धोना, भाई देखें रोना धोना लाइफ में अप एंड डाउन आ जाते हैं। 2021 की लास्ट में कुछ ऐसे सीन हुए मेरे साथ, मैं गिर गया, ठीक है, मैं वो आपको आके बताता हूँ सिर्फ। कोई भी मुझे बता दे किसी से मैंने कोई फ़ंड मांगने की कोशिश की हो, किसी को बोला हो भाई मेरे बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं, मुझे फ़ंड भेज दें या कुछ और, तब तो आप आके बात करें कि हाँ भाई यार आप रोना रोते हो फ़ंड के लिए। कोई एक सिंगल पर्सन भी आके बोल देना कि भाई हाँ मैंने फ़ंड के लिए इसे कहा हो कि भाई बहुत हालात ख़राब चल रही हैं, वो मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा क्योंकि मेरा देने वाला हाथ था, अभी मांगना मुझे शर्म आता है, ठीक है। होंगे लोग मांगते होंगे, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन थैंक यू आप सबका, बहुत इज़्ज़त और अफज़ाई हुई। काफ़ी दफ़ा मैंने भी कहा था कि भाई बहनों को इजाज़त नहीं है, तो आई थिंक इसके बाद तो शायद मुश्किल ही, क्योंकि आज अब्बू ने जो डांटा है ना बहुत, अब वो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ के, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। तो अभी अपना भी मूड कोई अप एंड डाउन हो रहा है, क्या पता, देखते हैं क्या सीन होता है। तो मैं ये पक्की बात नहीं बोल रहा ना बहनों का ना कुछ, तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ अभी जो है, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।